टीवी देख रहे दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों मैं हाँ गुरप्रीत सिंह ढिल्लों। दोस्तों अज असी पहुँचे हाँ श्री गुरु रामदास जी कौमांतरी हवाई अड्डा राजसांसी विखे, जिथे कि तुहानूं अज दिखावांगे जिवें कि आप देखते आ रहे हो पहला भी अजीत वैब टीवी जरिए जो लॉकडाउन हो गया सी भारत में करोना वायरस की रोकथाम लई सरकार वल्लों लॉकडाउन किया गया सी, जिस कारण हवाई सेवावां भी ठप्प हो के रह गई सन, जिस कारण इधर भारत वाले पास जिहड़े विदेशी नागरिक काफ़ी फसे पाए सन, जिन्होंने लिजाने लई वख वख सरकारां वल्लों जतन शुरू किए गए सन, जिस तहत कैनेडा इंग्लैंड ते होर वख वख देशां दीआं सरकारां ने अपने जिहड़े वसनीकां नूं लिजाने लई विशेष फ्लाइटां भेजीआं सन। उस लड़ी तहत ही अज भी इत्थे इक कतर एयरलाइन की विशेष हवाई अड्डा पहुंची हुई है, जिस राही कैनेडा के जो जो वसनीक इधर फस के रह गए सन वो उस राही जाएंगे। जिवें कि तुहानूं दस दईए कि इस दे नाल ही इंग्लैंड वल्लों भी शुरुआत की गई है अपने जो लोग आ वापस ले जाए जा रहे हैं। पहला तो ब्रिटिश एयरवे का एक विशेष जहाज काफ़ी दिनों तो इतने फ्लाइटा जाएँ, जिस सैकड़े यात्री जोड़े वापस जा चुके सन, पर हूँ ब्रिटिश सरकार की जी संधि कतर एयरवे हो चुकी है, तो हूँ अजक कतर एयरवे फ्लाइटा इतों रेगुलर जा रही हूँ। जिमें मैं तुम्हें अच्छ दिखाने कि असी जो हवाई अड्डे तो इस समय जो कैनेडा जाने वाले जो वसनीक आ वो लाइनों में लगे आ, इमीग्रेसन हो रही आ, चैकिंग हो रही है, जाँच की जा रही है, इस तो बाद जो श्रद्धालुओं को अंदर ले जाया जा रहा एयरपोर्ट के अंदर। मैं कैमरामैन को कहूँगा कि वो एयरपोर्ट के अंदर जाने जो श्रद्धालु आ यात्रु आ उन्होंने भी कुछ विजुअल तुम दिखा किमें वेखो, उन्होंने स्क्रीनिंग हो रही है। इतने CISF के अधिकारी ड्यूटी पर मौजूद आ, CISF के अधिकारियों वालों PPE किट्स पा के जी जाँच की जा रही है, क्योंकि इन्नी दिनी जे गल करिए पंजाब भी कोरोना वायरस का कहर अपने प्रकोप से जारी आ। जिमें आप सब जानते हो कि श्री हजूर साहब जो श्रद्धालु आए सन उन्होंने सैकड़े जोड़े श्रद्धालुओं कोरोना वायरस रिपोर्टा पॉजिटिव आ रही, जिस कारण पंजाब समय काफ़ी दहशत भी देखने मिल रही है। जिमें कि तुम अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो यात्रु आ जोड़े अपनी वारी अंदर जा रहे हैं, इतने काफ़ी लाइना लगिया हुई पात्रु अपनी वारी की अतीक कर रहे हैं। जिमें कि तुम देखा असी दो दिन पहला इतने कतर एयरवे की जी फ्लाइट से कैनेडा जा रही थी, कतर वो प्रबंधा करके हवाई अड्डे प्रबंधकों के ना काफ़ी प्रबंधा करके जो इतने यात्रियों को काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पाया ही, जिस कारण इतने जोड़े बहर लोग आए थे उन्होंने अंदर नहीं भेजा जा रहा है, तो लोगों के हाहाकार मची हुई सी। पर जो अज असी इतने आके वेख्या पहला काफ़ी फर्क नज़र आ रहा, क्योंकि उस दिन काफ़ी खबर भी लगिया सी, मामला काफ़ी गरमाया सी, लोगों ने भड़ास भी कढ़ी ही कि इस हवाई अड्डे के प्रबंध कुछ ठीक नहीं हैं। पर अज इत ड्यूटी के तनाव CISF के अधिकारियों वालों जी समाजिक दूरी भी बनवाई जा रही है, किसी ने भी एक दूजे को ठहर नहीं दिता जा रहा, तो थोड़े थोड़े करके यात्रु अगे लंघ दिते जा रहे बाहर एयरपोर्ट तो जो बाहर हाल के यात्रु काफ़ी खड़े आ, पर जो अंदर आ थोड़े थोड़े यात्रु ही लिजाए जा रहे। मैं कैमरामैन कहूँगा जोड़े इतने यात्रु मौजूद उन्होंने दिखा कि किमें लाइनों के खड़े आ। अगे तुम देख सकते हो जिमें एक इतने वक् वक् अधिकारियों एजेंसियों के अधिकारी भी है, पंजाब पुलिस के अधिकारी भी तैनात किए गए, CISF के अधिकारी भी, जो कि यात्रुओं के जो लिस्ट में एक लिस्ट जारी होंगी जिस बकायदा जिन्हें यात्रु जाने होंगे उन्होंने नाम दर्ज होंगे। जिमें कि जो अब सानू जानकारी मिली है कि इतने 355 के करीब इस फ्लैट राही जो यात्रु कैनेडा जाते जा रहे आम देख सकते हो, जो अधिकारी इतने एक फार्म भी भरवाया जाता है, जहाँ जोड़े यात्रु का फार्म भरा जाता है उसनों ही अगे जाता जाता है, इस तो अलावा इतने अगे जाते बिल्कुल नहीं है। यात्रु जो अपने फार्म भर के इतने जो एयरलाइन एक कर्मचारी आ वो देख रहे, मैं जो कैमरामैन कहूँगा जो यात्रु वापस जा अंदर जा रहे उन्होंने वाल एक बार जरूर दवा। जिमें कि तुम देख रहे यात्रु अंदर जा रहे हैं, सारे दे फार्म भर के ही अंदर भेजा जा रहा है, कुछ यात्रु होर भी बाहरों मैं कैमरा कर पिछों आ रहे जे अजे कुछ लेट हो गए, पर जो सानू पता लगा है करीब 8 बजे के करीब फ्लाइट जाएगी कैनेडा नू, दोहा पहुँचेगी, दोहा तो कैनेडा पहुँचेगी। इस तो इलावा अज रात जानी कि कल की तरीक 2 मई एक 2:30 बजे के करीब तो एक सवेरे तड़क सार दी दो फ्लाइटा कतर एयरवे दियाँ वो इंग्लैंड जाएगियाँ, इंग्लैंड जोड़े यात्रु इतने फस गए उन्होंने लिजाया जाएगा। सो असी हूँ इतने जो यात्रु जा रहे वापस उन्होंने गल करने की भी कोशिश करा कि उन्होंने किमें लग रहा है इसे लॉकडाउन दौरान की मुश्किलों का सामना करना पाया।
जो यात्रु कैनेडा वापस जा रहे हैं उन्होंने गल करेंगे। हाँ जी सर, शुभ नेम तो किस जगह तो आ रहे थे? ऊपर खुर्द आए। की नाम केसर सिंह राय है। की मुश्किल आई थोड़ा इतने लग रहा? मुश्किल आई है जी, एक किराया किन्ना डबल डबल तो ज्यादा किराया फिर बाकी आने किन्ने खर्चे उन्ने किन्ने जो खड़े हम एक बजे खड़े हूँ छो 8 बजे ने 8 बजे नहीं जाना है। धुप्पे खड़े हो धुप्पे धुप्पा नहीं थे। कितने जा रहे थे? अभी मैनकोर जा रहे हैं जी। तो होर टिकटा महंगा लगन का कारण की है? क्योंकि नॉर्मल रेट की है तो वैसे हूँ तो रेट की लगे 1200 लेके आए थी बैग टन 1200 से 1225 की थी तो हूँ 3000 की कदा कोई इन्हें वाद क्यों रेट लगे? ये तो हम गवर्नमेंट पता ही क्या क्यों लाया जो गवर्नमेंट का काम उन्होंने काम है। तुम इतने फस के रह गए ही अपने घर? चलो तुम आए थे कि मजबूरी का फायदा लिया इन्होंने एयरलाइन वाले ने टिकटा रेट मजबूरी का लाया जी उ मजबूरी का फायदा लिया उन्होंने। होर की सरकार को मांग कर दो तुम? मंगता ही थोड़ा जिम्मे हम लोग आए सवेर के आए और जो नाल कटी अंदर बढ़ जाए अंदर जगह बहन है अंदर बैठे रहन बह जे समान गए हम कि खजल खाल कि देख कितों छोटे सामने है कितों कितों दुनिया खड़ी खड़ी है। वापस जा रहे यात्रियों ने दसाया कि प्रबंध अजे भी हवाई अड्डे के कोई ठीक नहीं। उन्होंने भी दसाया कि टिकटों का रेट जो काफ़ी लग रहे महंगे असं होर भी यात्रियों ने गल करने की कोशिश करा। साढ़े इतने कुछ होर भी यात्रु मौजूद है जो कैनेडा वापस जा रहे हैं, उन्होंने भी गल करा कि इस लॉकडाउन दौरान तो जान समय उन्होंने कि मुश्किलों का सामना करना पाया। हाँ जी भाजी स्वागत है, की नाम तुम्हारा जी? मेरा नाम जी ललित शर्मा। किस जगह तो आ रहे जी? मैं जी कैनेडा तो हाँ, मैं कैनेडा तो हाँ, तो सर मैं जलंधर तो आ रहा फिलहाल। की मुश्किल आई थानू अज इतने आ गए जैला? सर मुश्किल तो फिलहाल काफ़ी मुश्किल आई हैं वैसे कि जिदा कि देखा जाए कि इंडिया ने अपने बंदे जो बाहर से बाहरों जो कड़े उन्होंने फ्री ऑफ कॉस्ट कड़े राइट, उन्होंने लाइक उन्होंने को पैसे नहीं दिए, उन्होंने अपने कह किया कि साढ़े जोड़े निवासी ने जो सिटीजन ने उन्होंने असं वापस लैके आईए। हाँ जी हाँ जी, इदा ही सर कैनेडा भी सेम चीज़ करनी चाहिए सी, बट इतने बहुत उल्ट होया सू जो कि उम्मीद से कि कैनेडा जी हैगी है असी बड़ा प्राउड फील करते हैं एज अ कनेडियन, मैं बहुत प्राउड फील करता तो असी इस चीज़ में असं सोचते थे कि सू जी टिकटा हो सू फ्री ऑफ कॉस्ट करे, बट सू की है हूँ हर बंद सर सेम जेब नहीं होंगी राइट, तो इन्होंने टिकटा जड़ियाँ उन्होंने जोड़े बंद नहीं कर सकते उन्होंने लोन दिता इन्होंने 5000 का लोन पर परसन दिता तो ताकि अपने टिकटा खरीद सको तो वापस पहुँच सको। ये जबकि सर हर हूँ हर कर ये वापस भी तो करने पैसे ये कोई लोन है तेरे अकाउंट में पाता किमें किमें मिले प्राप्त होया? सर ये तुम्हें अपनी इनफॉर्मेशन देनी पैंती है राइट, साढ़े जड़े जिदा साढ़े हर किसी को सिम नंबर होंगे अपने सिम नंबर दे के अपना तुम्हें नंबर देने पैंते अपने वो नंबर दे के तुम्हारा लोन पास कर देने ठीक है जी। तो इदा हूँ लोन मेरे मैं भी लिता 5000 का, मेरी वाइफ ने भी लिता है ठीक है जी, तो मतलब 10000 असी इन्हें देनदार हैं, तो एक तरह से यही होगी यही गल होगी जी। तो ये तो बड़ी बहुत मुश्किल आता है जी। ये नॉर्मल रेट की टिकटों का तो हूँ तो सर टिकट जी है ना टिकट आन जान की 1500 तो वध नहीं होनी चाहिए, जबकि ये टिकट एक साइड की $3000 की पई है जो कि बहुत तीन भी कहूँगा तेती कहो तो 33-34 हज़ार की ठीक है जी, क्योंकि टैक्स पा के 33-34 हज़ार की पर परसन पई है टिकट 33-34 हज़ार सॉरी माई बैड हाँ जी 3400 हाँ जी। मजबूरी का फायदा उठाने तो किसी फस के रह गए तुम वापस जाने कैनेडा से कुछ समझ नहीं आ रही है देखो ये तो जाके पता लगेगा। मैं तो यही सोचा कि मैं उत्थे जाना है तो उत्थे जाके असीं पटीशन साइन करनी है इस बारे जरूर कि जी ये जो है नजायज़ गल है तो यह कोई इस बारे कुछ किया जाए। धक्केशाही की बिल्कुल जी अलग धक्केशाही लग गई जी। हाँ जी और की मुश्किल आई तुम? बस सर मुश्किल एयरपोर्ट पर अच्छ कहते 2 बजे तक पहुँचना 6 घंटे तो समझ नहीं आती कि यह 6 घंटे का वेट किस चीज़ है ये समझ नहीं आती। ये असं इतने 1 बजे आए थे हैं तो 3 बजे सूँ एंट्री दी 2 घंटे साढ़े छोटे छोटे बच्चे साढ़े ठीक है। 2 दिन पहला भी मुश्किल यही आई सेम सेम तुम्हें देखा अखबारों में चैनलों की खबर चल रहा अभी भी सेम मुश्किल सेम मुश्किल है अजे भी जी। हाँ जी सेम प्रॉब्लम आ रही है तो हाँ जी एयरपोर्ट का बहुत सिस्टम बहुत खराब है जी। तुम हम उत्थे की कार्रवाई करो जो टिकटों के रेट बदले गए? सर कार्रवाई ये कि पटीशन करा साइन करा देखते हैं कि उत्थे जोड़े लोग सारे फसे हुए थे जोड़े इतने जो उत्थे वापस पहुँचते हैं उत्थे जाके देखते हैं कि बनता है उत्थे पटीशन साइन करते हैं उत्थे की होंगे गवर्नमेंट से कुछ भी तुम उन्होंने पटीशन साइन करते हैं असं कहते हैं जिदा कि वो कहें जो कहें कि जेकर 1 लाख बंदे मान जाते हैं इस गलू तो असी ये पैसे जेडे कि उन्होंने कहोंगे रिफंड करो ते पैसे तो देखते हैं उसे कि बनता है तो जाके पता लगेगा जी हूँ लोग किन्ना करता है। अज तुम वापस जा रहे जो ता परिवार के मैंबर कौन कौन है कैनेडा? हाँ जी कैनेडा कौन कौन फैमिली मैंबर रेंगे? कैनेडा के अंदर मेरे सारे परिवार ही है फिलहाल जी सारा परिवार हाँ जी अभी 9 हैं टोटल बंदे तो बस
ਸੋ ਕਰਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜੀ ਉੱਥੇ 9 ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ ਹਾਂਜੀ 9 ਮੈਂਬਰ ਜਾ ਰਹੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 9 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਵੱਧ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟ 1,70,000 ਦੀ ਇੱਕ ਟਿਕਟ ਪਈ ਹੈ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਰੇਟ ਕੀ ਬੰਦਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਅੱਛਾ ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਰੇਟ ਕੀ ਬੰਦਾ ਟਿਕਟ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਟਿਕਟ ਦੇਖੀ ਜਾਵੇ ਤੇ $1,500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਧੂਆਂ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਧੂਆਂ ਕਰਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਪੂਰਾ ਧੂਆਂ ਕਰਤਾ ਉਹ ਯਾਤਰੂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕਾਫੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਆ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਵੱਧ ਲੈ ਗਿਆ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਪਾ ਲੱਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $5,000 ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਅਜੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਜਿਹੜੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਲਲਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਵਾਸਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਟਿਕਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਾ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੁਝ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਕਾਫੀ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਗਰਮੀ ਸੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹੀ ਰੋਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੰਜਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਯਾਤਰੂ ਆ ਆਪਣੀ ਵਾਰੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਆਸਤੇ ਆਸਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਕਹੂੰਗਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਕਲੋਜ਼ ਸ਼ੋਟ ਦਿਖਾਉਣ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਯਾਤਰੂ ਆ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਕੀ ਨਾਂ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਜੀ ਗੌਰਵ ਸ਼ਰਮਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਕੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮੇਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਅਪ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆ ਕੋਈ ਪੱਖੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਪੱਖੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਨ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਹਿਊਜ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਖੜੇ ਨੇ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬਿਠਾਓਗੇ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਰਹੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟ ਹੈ ਵਨ ਵੇ $3,300 ਦੀ ਵਨ ਵੇ ਹੈ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲੈਂਟ ਟੂ ਆਈ ਥਿੰਕ 1.5 ਲੱਖ 2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਵੀ ਆਰ ਫੈਮਲੀ ਆਫ 9 ਪੀਪਲ ਸਾਡਾ $30,000-35,000 ਲੱਗਾ ਜੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਰਮਲ ਰੇਟ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾਏ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ $1,500 ਤੱਕ ਦੀ ਫਲਾਈਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏਅਰ ਚਾਈਨਾ ਜੇ ਚਾਈਨਾ ਨਾ ਜਾਈਏ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਟਸ ਅਰਾਊਂਡ $1,300-1,400 ਬੋਥ ਵੇਜ਼ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਏਅਰਲਾਈਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਲੁੱਟ ਚਾਰਟਰ ਫਲਾਈਟਸ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੀ ਹੈ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆਮ ਦੇਖਣ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਆ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮਿਸ ਹੋ ਗਿਆ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਮਿਸ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਲਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਫਾਲਟ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪੇਨ ਹੈ ਇਟ ਇਜ਼ ਟੂ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਫੋਰ ਅਸ ਕੀ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋ ਏਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਆਹ ਲੋਨ ਸਾਡਾ ਮਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਐਟਲੀਸਟ 50% ਵੇ ਆਫ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਦੈਟਸ ਇਟ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਿਲੀਫ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਹੈਲਥ ਆਫੀਸਰਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਈ ਹੋਵੇ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸ ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲੋਕਡਾਊਨ ਅਜੇ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਡਾਊਨ ਚਾਹੀਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਨੌਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਕੰਮ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੇ ਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬੈਠੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਫ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਟੱਕ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਵੇਚ ਵੂਚ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਨੇ ਮਨਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਆਏ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਵਿਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਾਫੀਆਂ ਨਾਲ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਫੈਬਰੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਸੀ ਇੱਥੇ
कैनेडा सरकार ने उतों की एयरलाइन साढ़े ना काफ़ी लुट की रेट लाए, उन्होंने भी मांग की कि जी साडे लोन आ माफ़ किए जाए। सो असी तुहानूं इतों के एयरपोर्ट दीआं अगों दीआं भी गतिविधियां विखाउंदे रहांगे। अजीत वैब टीवी लई साथी सहयोगी साथी सुखजिंदर सिंह हेर दे नाल गुरप्रीत सिंह ढिल्लों राजस्थान सी हवाई अड्डा। देश दुनिया ते कोरोना महामारी दा असर, इस जरूरी है कि तुहानू मिले सही जानकारी अते पता होवे सच्ची खबर। अजीत वैब टीवी दे सैकड़े पत्रकारां दी है हर पल हर जगह ते हर स्थिति ते पैनी नजर। पिंड कस्बा शहर होवे या देश विदेश, असी जुड़े हां तुहाडे नाल अखबारां ते सोशल मीडिया राही। कलम दी ताकत ते वैब टीवी दे माध्यम दे नाल हर जन तक पहुंचावांगे हर मन दी आवाज। हर आमो खास ते हकूमत नूं भी करांगे सवाल जवाब। आप नहीं तां पहुंचेगी साडी वीडियो कॉल। अफवाहां तों बचो अते सच्चियां ते सही खबरां दे लई जुड़े रहो अजीत वैब टीवी दे नाल।